वैशाली और कुशीनगर के बाद धम्म यात्रा का अगला पड़ाव था भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी। भारत नेपाल सीमा पर हिमालय की गोद में बसे नेपाल के रूपानदेही जिले की ओर हमारी यात्रा शुरू हुई। पहाड़ों के बीच बहती काली नदी का दृश्य बड़ा ही लुभावना था, मगर अंदर चल रहे अंताक्षरी के गाने भी कुछ कम नहीं थे। और बातों ही बातों में हम कैसे लुम्बिनी पहुंचे पता ही नहीं चला। लुम्बिनी उद्यान के प्रवेश से पहले बनाई गई बालक राजकुमार सिद्धार्थ की प्रतिमा को अपने कैमरे में उतार कर हम आगे बढ़े। उद्यान में प्रवेश करते ही सामने ही महामाया टेंपल था, जिसे 1997 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी गई। 1896 में इस जगह की खोज जर्मनी के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंटोन फेबरर ने की और इस जगह पर मिले सबूतों के आधार पर यह जगह भगवान बुद्ध के जन्मस्थली होने की पुष्टि की गई तथा भगवान बुद्ध की माताजी माया देवी के नाम पर यह टेंपल 1978 को जापान के इंजीनियर केंजो गैजने ने डिजाइन किया। ईसा पूर्व 563 में महामाया देवी कोलिया गणराज्य के देवांधा को इसी उद्यान से जा रही थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने बालक सिद्धार्थ को जन्म दिया। उस स्थान को बतलाता मारकर पत्थर जो सदियों से यहाँ रखा है, जिसे अब कांच के आवरण से सुरक्षित देखा जा सकता है। 20-20 किलो की वजनी ईंटों से बनाई गई दीवारें यहाँ पर विशाल स्तूप होने की पुष्टि करती है। महामाया टेंपल से निकलकर हम शाल वृक्ष के पास आए। इस पेड़ के नीचे सारी दुनिया से धम्म यात्री आकर इस स्थान पर अपने श्रद्धा दिखाते हैं। हमने भी मंगल गाथाएं गाकर बुद्ध के धम्म को नमन किया। शतकों से यह जगह पर्यटन तथा बुद्धिस्ट अभ्यासकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। ईसा पूर्व 243 में यह सम्राट अशोक आए थे। उन्होंने इस जगह को भगवान बुद्ध के जन्मस्थान होने की पुष्टि की और स्तंभ का निर्माण कर उस पर इसका उल्लेख किया, जो आज भी लिखा है। चीन के अभ्यासक सेन साई, जो कि 4th शताब्दी में यहाँ आए थे, उनके पश्चात फाइयान 5th शताब्दी में, तो हुआन सॉन्ग 7th शताब्दी में आकर उन्होंने अपने ग्रंथों में इस जगह पर विशाल बुद्ध विहार, आकर्षक स्तूप तथा मूर्तियों का उल्लेख किया है। लुम्बिनी गार्डन को छोड़ने के बाद हम फिर उसी बालक सिद्धार्थ की प्रतिमा के पास आए और सारी यादें मन में संजो। को भ्रमण कर
हमने अंदर रखी विशाल बुद्ध प्रतिमा को वंदन किया। दूसरा विहार था कोरिया का। यहाँ पर दूर दूर तक फैला विशाल अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विहारों का विहंगम दृश्य कभी ना भुलाने वाला था। और उसी रात लुम्बिनी की यादों को संजोए हम हमारे अगले धम्म स्थल काठमांडू के लिए निकल पड़े।